श्री राम छाबड़ा अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडितों द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय श्री राम छाबड़ा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, श्री स्वामी केशवानंद जी, श्री स्वामी सार बोधानंद जी एवं पारिवारिक सदस्यों में संतोष छाबड़ा, विजय छाबड़ा, दर्शना छाबड़ा, अशोक छाबड़ा, किरण छाबड़ा, रजिंदर छाबड़ा, सीमा छाबड़ा, आशा रानी, रजिंदर पाल, संतोष रानी, रवि नारंग, मोना, दिनेश कुमार सहित शहर के व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुँचकर स्वर्गीय श्री राम छाबड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। शोक सभा में मंच आसीन श्री सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस दयाल जी महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान जी, मेरे हृदय सम्राट श्री स्वामी परम श्रद्धेय श्री महाराज जी, ब्राह्मण देवता और जितनी भी आत्माएं आज हमारे पापा जी श्री श्री राम छाबड़ा जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, मैं सर्व संगत को शत शत नमन करता हूं। आज जिस रूह को श्रद्धांजलि देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं वो हमारे परम आराध्य देव कुरुक्षेत्र निवासी श्री स्वामी जी महाराज जी के अनन्य शिष्य थे। उनके श्री चरणों में उनका अगाध प्रेम था। अभी आज से चंद रोज पहले ये रूह हम सबके बीच में विराजमान थी। 5 तारीख को मैं पापा जी का पता करने के लिए हॉस्पिटल गया तो मुझे पता चला कि उनकी छुट्टी हो गई है। फिर मैं शाम को भैया विजय छाबड़ा जी के घर पर गया और ऊपर जब मैं बाबूजी को मिला तो बाबूजी इतने विनम्र स्वभाव से मिले, हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करने लगे। चिंता नहीं होती, वो हर टाइम तैयार रहते हैं कि मालिक ये तेरा शरीर है, तेरी अमानत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना मेरे श्वास है, जितना मेरा अंदर है, वो सब आपकी याद में आपकी आवाज के साथ रहे और मैं दुनिया से जाऊं तो नेक कर्म करके जाऊंगी, जब मेरे को कोई कष्ट ना आने पड़े। नगरी द्रासी दरबार से ये परिवार जुड़ा है तो ये चिंता नहीं है कि बाबू जी श्री राम छाबड़ा जी नरकों को गए होंगे, यम की मार खाएगी, बिल्कुल नहीं। हमारे एक शायर है आजाद जलंधरी जी, वो कहते थे कि जिन लोगों पे है जग वालो वो खास इनायत सतगुर की, उनको ही संदेशे आते हैं, नंगली में बुलाए जाते हैं, दामन में छुपाकर भक्तों को गुरु जन्नत तक ले जाते हैं, आजाद उन्हें जब वक्त सफर यमदूत बुलाने आते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी सेवक कभी नरकों को नहीं जाते, कभी यम की मार निकालनी पड़ती। एक बात की बात है कि श्री गुरु महाराज जी लखनऊ में विराजमान थे, 15-20 उनके संत और 20-25 सेवादार साथ थे और दूरों नेड़े आए पर पहलों ते भराओ। बड़ी दुख की घड़ी है कि आज साडे विच मेरा वड्डा भरा श्री राम छाबड़ा नहीं रहा। श्री राम छाबड़ा जी का मेरे नाल घट तो घट 50 साल का प्यार सी, कुछ व्यापार के तौर पर भी, कुछ उस तरह भी साडा रोड़ा भरा सी ते मिलनसार सी। दूसरी चीज़ जिस तरह भाई जी ने दसा है कि गुरु घर के प्रेमी सन। श्री राम छाबड़ा जी ने जिथे मेहनत करके अपने परिवार को पालिया, नेक कमाई की, उथे गुरु घर के प्यार करके जो सानू सिक्ख्यावान मिलदियां नाम भी जपया। तो इस तरीके दे नाल उन्हां दी जिहड़ी उमर प्रभु की कृपा दे नाल
कर्म में था दी और ठीक है कि शबड़ परिवार ने जिसलिए हॉस्पिटल तो गए